हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं ट्रेडर लाइफ सिम्युलेटर। तो चलिए चलते हैं, अपने गेम को शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले काम करते हैं, अपन ऊपर जाके देख लेते हैं कुछ। ये अपना घर है, जब मैंने पहले आपको दिखाया नहीं होगा, अब दिखा देता हूँ आपको इसको। ये अपना बेड ला के रख रखा मैंने। ठीक है, काम करते हैं अपन, सबसे पहले चलेंगे अपन शॉप पर, उसके बाद अपन जेवर शॉप पर चलेंगे क्योंकि अपनी दुकान में कुछ सामान नहीं है। उसके बाद अपन अपना बाय फार्म को बाय करेंगे, क्योंकि अपन कुछ सामान रख देंगे अपनी शॉप पे तो क्या बिकता रहेगा, तो अपनी इनकम होती रहेगी। इसलिए सबसे पहले अपन अपनी शॉप पे चलेंगे, अपनी गाड़ी उठाते सॉरी गाड़ी लेके उठा के क्या गाड़ी लेके चलते हैं अपन। पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा इसमें, तो अपन पेट्रोल भी डलवाएंगे इसमें। अपन सबसे पहले अपनी शॉप पर चलते हैं। ठीक है, अपन शॉप पर चलते हैं। चलो अपन शॉप पे चलने के बाद अपन वहाँ पे जो अपनी इनकम, एक बार अपनी इनकम चालू हो जाएगी ना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है अपनी। बस आप लोग यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेना है लेफ्ट की तरफ। मैं भी गाड़ी, अरे गाड़ी कैसे चल रही, ये गाड़ी खटारा गाड़ी है। मेरे को गाड़ी ख़रीदनी पड़ेगी इसमें बहुत। एक फार्म ख़रीद लेंगे ना अपन, उसके बाद एक गाड़ी भी ख़रीदेंगे, क्योंकि ये गाड़ी मेरे से चलती भी नहीं है। पता नहीं, मैं ज़्यादातर रोड पे कम और डिवाइडर पे ज़्यादा चलाता हूँ इस गाड़ी को, इसलिए मेरे को गाड़ी ख़रीदनी ही पड़ेगी इसको। इसका गाड़ी का आवाज़ भी इतनी करती है कि पता नहीं, पेट्रोल बहुत कर दी। इसका एवरेज बहुत कम है इस गाड़ी का, कुछ भी बोलो इस गाड़ी का एवरेज तो बहुत ही कम है। मैं 2 या 3 चक्कर करूँगा जेबर शॉप के, ये 500 रुपये का पेट्रोल खा जाएगी। जितनी अपनी इनकम नहीं हुई होते होते ये पेट्रोल खा जाती है। चलो अपन आ गए अपनी शॉप पर, अपनी शॉप ओपन कर देते हैं। पिछली बार मैंने सारी मशीनें भी खरीद, ऑफलाइन खेला था इसको, तो सारी मशीनें खरीद ली थी मैंने इसकी, चारों पांचों मशीनें जो भी है अपना। ये सेल्फ खाली है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ तो कुछ केस तो नहीं है, अपन जेवर शॉप पे चलते हैं सबसे पहले और कुछ सामान खरीद के लाते हैं। उसके बाद अपन फार्म को बाय करेंगे और उसके बाद अपने फार्म पर चलेंगे अपन। उससे पहले अपन जेवर शॉप चलते हैं और कुछ सामान खरीद लेंगे, तो उससे क्या अपनी शॉप पर अपनी इनकम चलती रहेगी ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अपने पास अभी 11,343 रुपये पड़े ना। फार्म शायद 3 से 4 हज़ार रुपये का कुछ ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि उसमें अपने को बहुत सारी चीज़ें खरीदना पड़ेगी ना अभी यार। इसलिए अपन सबसे पहले थोड़ा बहुत सामान खरीद लेते जेवर शॉप से। उससे मैं पहले सोचा था कि बेस्ट बर्गर पर अपन कुछ खा लेते, क्योंकि अपनी हंगर बढ़ रही है, बड़ी हुई है 61। तो अपन एक काम करते हैं, अपनी हंगर को कम कर लेते हैं अपनी, यानी भूख मिटा लेते हैं अपन सबसे पहले बेस्ट बर्गर पर, क्योंकि काम बाद में पेट पूजा पहले। तो अपन यहाँ पे पिज़्ज़ा विज़ा खा लेते हैं, कुछ पैसे तो है अपने पास। पिज़्ज़ा 65 डॉलर का, ये भी पैसे। एक काम करते, फ्राइज़ खा लेते हैं अभी, फ्राइज़ से काम चला लेते हैं। उसके बाद अपनी भूख ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, उसके बाद अपन बर्गर अगर या पिज़्ज़ा खा लेंगे तो उससे अपनी भूख मिट जाएगी पूरी। अपनी फैटी जो और डर्टनेस तो चलो कम ही है, वो तो ना अपन क्योंकि अपन घर से आए, अपन नहा के आए, इसलिए नींद निकाल के और घर से नहा के आए अपन, तो कोई टेंशन नहीं अपने को। पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल भी अपना कम ही है ना, 500 डॉलर का है, भरवा लेते हैं, देना तो भरना तो पड़ेगा अपना। ठीक है, पेट्रोल तो डलवा लिया अपने ने, अब चलते हैं जेवर शॉप पे। ठीक है, बस तो फाइनली अपन पहुंच गए हैं जेवर शॉप पे। अब देखते हैं उतर के गाड़ी से क्या क्या अपन ख़रीदने वाले हैं। जो सस्ते माल होगा वही ख़रीदेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कम होता है पर सामान ज़्यादा आ जाता है अपने पास। चिप्स खरीद लेते हैं, ठीक चल रही है, तो जो सस्ता माल होगा ना वही खरीदेंगे, क्योंकि ज़्यादा महंगा खरीद के अपना प्रॉफिट होता ही नहीं ज़्यादा, इसलिए कम ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा अपना। ये प्रोफाइल ये खरीद लेते हैं एक। तो फाइनली सभी सामान मैंने गाड़ी में रख दिया, पर ये बॉक्स पता नहीं क्यों नहीं गाड़ी में रख रहा था, इसलिए मैं इसको हाथ में लेके बैठने वाला हूँ और चलते अपनी शॉप पर अपन। तो ठीक है, अपन शॉप पे चल रहे हैं अपन और ये सारा सामान वहाँ पे जमा देते हैं, और इसके बाद अपना फार्म को भी तो बाई करना अपने को। तो फाइनली अपन अपनी शॉप पे आ गए। मैं गाड़ी पता नहीं क्यों डिवाइडर पे चढ़ा देता हूँ बार बार, ये गाड़ी मेरे से कंट्रोल होती नहीं, पता नहीं क्यों ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाती मेरे से। सभी बॉक्स उतार लेते अपन गाड़ी से पहले। तो ठीक है, सारे यहाँ पे जमाने पड़ेंगे अभी, तो फटाफट उतार के सारा सामान जमा देते अपन। ठीक है, तो फाइनली मैंने सारा सामान जमा दिया था। ये थैलियाँ थोड़ी नीचे नहीं लग रही कि मैंने के सेल्फ में जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा नीचे रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, अब अपन
अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन तो सेल्फ थोड़ा बहुत सामान बिकने बिक भी गया अपना, ठीक है। अपन थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख रखा मैंने, वो जो चावल की थैलियाँ था नहीं, यहाँ रख दी मैंने, क्योंकि जगह थी नहीं इसलिए। अब अपन खरीदेंगे, अपना काम बचा है फार्म का, अब अपन खरीदेंगे फार्म। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं अपन। ये रही अपना लैपटॉप, फार्म का है, 3,500 का है, ठीक है। इसको बाय करते हैं अपन सबसे पहले। तो ये बाय तो हो गया, अब चलते हैं अपने फार्म पे। जैसे पता नहीं गाय गाय वहाँ पे आ गई होगी, इस दरवाजे को बंद कर देते सबसे पहले। तो गाय भैंस बकरी सभी तो वहाँ पे होगी सही ना। मतलब अपना फार्म तो बाय कर लिया अपनों ने, चलो देखते अपना फार्म कैसा दिखता है। जो फर्नीचर शॉप पे अपनों ने देखा उसका रास्ता, कोई टेंशन नहीं, मैप खोलने की जरूरत नहीं उसकी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेरे हिसाब से लगेगा तो देख लेंगे, नहीं तो रेंद देंगे, क्योंकि मैंने रास्ता तो देख ही रखा है उसका। ठीक है, चलते हैं अपन आगे सीधा, यहाँ से अपने को टर्न लेना है। तो फाइनली अपन पहुँच गए, ये आ गया अपना फार्म, क्योंकि मैंने देख रखा था इसका रास्ता, क्योंकि फर्नीचर शॉप पे अपन दो एक दो बार आए ना, तो इसलिए देख रखा था मैंने रास्ता। ये कौन अंकल खड़े हैं, क्या हुआ? नो कैश टू कलेक्टेड, इनके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर अपना फार्म खाली क्यों है भाई? अपना फार्म खाली, इधर देखते अंदर कोई बाहर में कुछ है क्या? ये भी खाली, अपना फार्म खरीद लिया पर अपना गाय भैंस कुछ नहीं आता, तो खाली है पूरा यार ये। तो क्या गाय भैंस खरीदना पड़ेगी क्या अपने को, वो भी अलग से? तो कितना महंगा पड़ेगा यार फिर अपने को ये? अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो भूल रहे अपन या फिर कुछ छूट रहा। एक काम करते हैं, मैप खोल के देखते हैं अपन सबसे पहले। तो एनिमल ट्रेडर, यहाँ पे गाय भैंस बेचने वाला कोई ट्रेडर है क्या? ये क्या कार मैकेनिक के पास में तो है सही। एक काम करते हैं अपन वहाँ चल के देखते हैं, कोई गाय भैंस बेच रहा होगा शायद वहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो अपने को खरीदना पड़ेगी और फिर यहाँ पे रखेंगे उनको, तब जाके वो सारा दूध वूध सब भी दे, गोबर वोबर जो भी होगा ना वो देगी, तब जाके अपनी इनकम होगी। ठीक है, तो अपन चलते हैं वहीं पे सबसे पहले। तो एनिमल ट्रेडर्स का रास्ता तो चेक कर लिया अपनों ने, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन सबसे पहले चलते हैं जो अपनी कार रिपेयर करता है ना उसके पास में ही है वो। मैं उधर कभी गया ही नहीं, क्योंकि कार रिपेयर अपनों ने करवा एक बार करवाई थी उसके उस तरफ से आए थे अपन, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर। ठीक है, फाइनली अपन पहुंच गए हैं एनिमल ट्रेडर के पास में। ये सामने तो दिख गया कुछ, तो गाय तो दिख रही है, गाय भैंस बकरी क्या है ये सामने? भैंस, ए सॉरी भैंस नहीं है शायद ये, अंकल 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 हमें गाय भैंस बकरी सब चाहिए। ये क्या है? शीप, काउ, और ये क्या है? शीप, और ये है चिकन यानी मुर्गी। तो अपन इस पाँच महंगी तो ज़्यादा नहीं है, $500 की है, अपन दो खरीद लेते इसको। ठीक है, ये भी दो खरीद लेते अपन, $300 की है, और ये कितने? $150 की है ना, ये भी दो खरीद लेते हैं, अपने पास पैसे तो बचे हैं। काम करते हैं, मैं दो दो और खरीद लेंगे अपन इनको, खरीद लेते, चलो सब दो दो खरीद लेते हैं। ठीक है, ये भी दो खरीद लेते हैं, $300 के थे, नहीं $150 की दो है, खरीद लेते इनको भी। कितनी? चार गाय, चार सेब, चार चिकन, ठीक। 800 की डेली इनकम होगी और 148 की कॉस्ट लगेगी। ठीक है भाई, और खरीद सकते क्या इनको? मैक्सिमम लिमिट लीच, हाँ मेरे को लगता आप खरीद पाएंगे अपन, फिर भी चेक कर लेते एक बार इसको। नहीं यार ये चार चार से ज़्यादा खरीद नहीं दे रहा है। ठीक है चलो, ये चार भी काफ़ी है, चार का चार, चार दुनिया 8, 12 हो गई टोटल, 12 भी बहुत है। 840, 800 की इनकम होगी अपनों को डेली, और 148 का ही खर्चा होगा, बहुत बढ़िया यार ये तो। ये धंधा तो मेरे को उस दुकान से ज़्यादा फायदेमंद लग रहा। ठीक है, तो कुछ बोलेगा नहीं अभी तो। वो अपनी गायें यहाँ पे आ चुकी है, अपनी शीप को भी देखते, अपनी शीप भी आ गई होगी ना। शीप कहाँ पे है, यानी भेड़ कहाँ पे? अपनी भेड़, ये भेड़ भी आ गई चारों, और चिकन आगे है क्या? चिकन भी है ना, खरीदे थे ना हमने चार। तो फाइनली अपने सभी जानवर अपने बाण में आ गए, तो दिक्कत नहीं, अब अपनी इनकम अब चालू हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, अब अपन चलते हैं अपनी शॉप पे,
और देखते हैं अपनी इनकम होती हुई कि नहीं, $800 की। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ का यहाँ पे आगे एक एक्सपोर्टिंग कंपनी भी देखी थी मैंने मैप में, शायद वहाँ पे चल के देखी क्या, वहाँ कुछ तो है यहाँ पे। जैसे मैंने देखा था ये रहेगी सामने एक्सपोर्टिंग कंपनी, यहाँ पे देख के आते हैं कितना पैसा, क्या कैसे, क्या अपने यहाँ दूध दूध एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या, चल के देखना पड़ेगा अपने को। अगर दूध दूध एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा अपने लिए। तो ठीक है भाई, यहाँ से टर्न लेना अपने को, टर्न तो क्या लग, रास्ते ही टर्न में हो तो बस आने ही वाली है अपने पास में ही, आगे सामने एक्सपोर्टिंग कंपनी दिख गई अपने की। तो ठीक है भाई, ये रहेगी तो फाइनली अपनी एक्सपोर्टिंग कंपनी भी आ गई है। यहाँ पे गाड़ी घुमा के रख देते हैं, तो ये रहेगी अपनी एक्सपोर्टिंग कंपनी। यहाँ पे गए हैं वो, कुछ कर सके क्या एक्सपोर्ट, क्या करना है यहाँ पे, ये दिख रहा अपना पुलिस वाला है ना अपनी बैंक, वैसा वैसा ही है एक्सपोर्ट शॉप। ओके, डू यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट $7,000? $7,000 अभी तो नहीं है हमारे पास भैया इतने, मतलब यहाँ पे कोई अपन को एक्सपोर्ट नहीं करना, खाली बस पैसा इन्वेस्ट करना था अपनी, यहाँ से भी एक इनकम चालू हो जाएगी शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वो तो अपना इन्वेस्ट करेंगे, अभी तो इतने पैसे है नहीं अपने पास, अपन अगले वीडियो में यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, ₹7,000 इकट्ठा करेंगे पहले, जो अपना फार्म तो खरीद लिया उससे जो इनकम होगी उसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो अपनी इनकम एकदम डबल हो जाएगी। अब अपनी हंगर भी बढ़ रही है, मेरे को ऐसा लगता है पिज्ज़ा इज़ा खा लेना चाहिए अपने को, अपन चलते हैं बेस्ट बर्गर की तरफ ही होके जाएंगे ना, तो अपन खाना ना थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लेंगे तो अपने हंगर को कम करेंगे, नहीं तो इसमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं अपन वहाँ पे, अपन पहुँच गए अपन बेस्ट बर्गर शॉप पे। ठीक है, अपन बेस्ट बर्गर शॉप पे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लेते थोड़ा बहुत, क्योंकि भूख ज़्यादा बढ़ गई अपनी, नहीं तो बीमार हो जाएंगे अपन, ज़्यादा भूख के रहेंगे तो बीमार हो सकते हैं अपन, फिर मेडिकल पे जाना पड़ेगा ना, दवाई खानी पड़ेगी, इससे अच्छा अगर खाना ही खा लेते अपन, दवाई खाएंगे इससे अच्छा। भाई पिज़्ज़ा वाले कहाँ पे गया तू, हमें खरीदना पड़ेगा क्या पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा कहाँ है गया, इसको बाई करते हैं और भाई खा जाते हैं इसको, और चलते हैं अपनी शॉप पे। ठीक है, अपन शॉप पे चलेंगे, अपनी हंगर तो 0 हो गई, 40-45 डर्टनेस तो बढ़ गई अपनी, फिर हार लगे ऐसे अपन दुकान पे जाके अपन घर ही जाएंगे तो डर्टनेस तो अपन हार लेंगे, तो डर्टनेस तो कम हो जाएगी अपनी। गाड़ी में मेरे को लग रहा कुछ ऑयल ऑयल कब भी कम हो रहा ना यार, उसको भी डालना पड़ेगा ऑयल को भी। काम करते अपनी शॉप में, गाड़ी रोकते पहले और ऑयल चेक करते कितना बचा इसमें, क्योंकि मैंने एक बार देखा था, चेक किया था तो उसमें ऑयल कम आ रहा था, ऑयल 7% ही रह गया, ऑयल रिफिल डालना पड़ा, नहीं गाड़ी पता नहीं कहाँ रुकेगी अपनी। यहाँ पे कैश देखते हैं कितना हुआ, भाई अच्छी हो गई अपनी इनकम, ₹962 की, भाई फ़ायदेमंद हो गया यार अपना, इसलिए मैं बोला था मैंने सामान खरीद लिया, क्योंकि अपनी इनकम चलती रहेगी, अपना प्रॉफिट बहुत ही शानदार हुआ, क्योंकि ₹962 का प्रॉफिट करना इस गेम में बहुत बड़ी बात है। $150 का कार ऑयल भाई, $100-150 का कार ऑयल बेच रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो पैसों की कमी नहीं इसलिए मैंने खरीद लिया उसको। तो भाई खरीद क्या कर रहा है तू? हाँ ठीक है, अरे कार में नहीं बैठना, अरे कार में ऑयल डालना अपनों को। हाँ यार मैं बार बार कार में बैठ जाता हूँ, रिफिल हो गया, चलो ये तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन ऐसे ही मज़ेदार गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।